श्री राजेश चुदासमा जी। जो मंत्री जी बिल लेके आए हैं उसके समर्थन में मैं खड़ा हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मंत्री जी को तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि देश में कई सरकारें आई और उन्होंने मछुआरों को कई सारे वादे किए हुए, पर जब 2019 का इलेक्शन था तो हमारी एनडीए की सरकार ने मछुआरों को जो वादे किए थे उसमें से एक वादा ये था कि हमारी सरकार आएगी तो हम कृषि से मत्स्य पालन मंत्रालय अलग करेंगे, और 2019 के बाद हमारी सरकार आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि से मत्स्य विभाग को अलग करके मछुआरों के हित में काम करना शुरू किया, मत्स्य संपदा योजना बनाई, मत्स्य पालन मंत्रालय अलग किया और साथ ही हमारे कोस्टल एरिया पे रहने वाले एक मंत्री को मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। मैं मंत्री जी का, हमारे रूपाला साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश में मत्स्य पालन के पहले ऐसे मंत्री रहे जिन्होंने पूरे समुद्र के किनारे समुद्र में जाके परिक्रमा करके मछुआरों के बीच जाके उनकी कठिनाइयां क्या है, उनको आने वाले समय की मांग क्या है, उसको समझते हुए आज ये बिल लेके आए हैं। मैं रूपाला जी का पूरे मछुआरों की ओर से, पूरे देश के मछुआरों की ओर से प्रधानमंत्री और मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस बिल को मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्री मनोज तिवारी जी। धन्यवाद सर।